उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आइए जानते हैं आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज को। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश में खरीफ नीति से 25 लाख नए किसानों को हो सकता है बड़ा लाभ, जाने कैसे। उत्तर प्रदेश में पुष्टाहार वितरण व्यवस्था हुई हाईटेक, ऐप से होगी निगरानी, लाभार्थी के फोन पर आएगा मैसेज। उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 26 मई तक आवेदन, अलीगढ़ में बन रहा है स्कूल। उत्तर प्रदेश के लोग अड्डा खाने के शौकीन हैं तो ये बात जरूर जान ले, एक गलती सेहत पर पड़ सकती है भारी। उत्तर प्रदेश में 30 ट्रेनें प्रभावित, आज 8.5 घंटे का मेगा ब्लॉक, 14 निरस्त हुई, 12 का बदला गया रूट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिन में बैंक में जमा हुए 10 करोड़ के 2000 के नोट, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को लौटाया। शंकराचार्य बोली, राजनीतिक दल संतों को पहले अपना प्रचारक बनाती हैं, बाद में मौनी बाबा जैसे श्री श्री और रामदेव। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के यूपी के अधिकारियों को हिदायत, पीड़ितों की मदद में न हो देरी, कोताही नहीं होगी बर्दाश्त। उत्तर प्रदेश में 2000 की नोट बंद होने पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा इससे भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा परेशान। उत्तर प्रदेश में ज्ञान वापसी से संबंधित एक मामले में निगरानी याचिका स्वीकार, निचली अदालत का आदेश निरस्त। उत्तर प्रदेश में कहा भागा सद्दाम, दुबई की फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने तलाश की और तेज, इमिग्रेशन ब्यूरो से ली जाएगी जानकारी। सऊदी अरब से 1 किलो सोना ला रहा था व्यक्ति, लखनऊ एयरपोर्ट से हुआ अगवा, रामपुर में दबोचे गए किडनैपर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में हार के बाद मायावती ने किया बड़ा फेरबदल, विस्ट में बनाई 4 पदाधिकारियों की टीम। उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर भाजपा का मेन फोकस, मिशन 80 के लिए दांव पर दांव चल रही है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में मऊ में मुआवजे के लिए अड़े ग्रामीणों ने पुलिस पर चलाए ईंट पत्थर, एक सिपाही का सिर फटा। उत्तर प्रदेश के भाजपा के पूर्व विधायक संजय जायसवाल को 3 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया गया। उत्तर प्रदेश में एशिया के शीर्ष 500 की सूची में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बनाई जगह। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक घटना कल्याण योजना के तहत किसानों को मिलती है 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता, ऐसे उठाएं लाभ। वाराणसी में बनेंगे 13 नए रोडवेज बस स्टॉप, प्रयागराज और लखनऊ गोरखपुर समेत इन जनपदों को मिलेंगी बस। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने कुशीनगर में किया तस्करों का एनकाउंटर, 2 पशु तस्करों को लगी गोली, गोरखपुर में कार सवार पर किया था पथराव। अम्बेडकर नगर में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, डीएम को दिया ज्ञापन, बोले लोकल ट्रेनों का संचालन जल्द शुरू नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन। प्रयागराज में नागरिक समाज संगठन ने निकाला पैदल मार्च, पहलवानों का किया समर्थन, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश में यूपी मोटरयान नियमावली में सरकार ने किया संशोधन, अब किसी भी जिले में करा सकेंगे वाहनों का फिटनेस टेस्ट, 15 दिन में जारी होगा सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश में बजरंग दल ने फ्री में बांटे केरला स्टोरी के टिकट, आज कानपुर में 21 मई को 250 लड़कियों को दिखाए जाएंगे फिल्म, 3 बजे का शो है बुक। मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला टला, 13 जून को कोर्ट सुना सकता है सजा। चलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की उन बड़ी खबरों को जानते हैं विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, साथ ही कमेंट में जय सनातन धर्म के साथ साथ अपने जिले या गांव का नाम जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में खरीफ नीति से 25 लाख नए किसानों को हो सकता है बड़ा लाभ, जानिए कैसे। जी हां दोस्तों, इस बार खरीफ सत्र में प्रदेश के किसानों को फसल उत्पादन में किसी भी तरह की दुश्वारी पेश न आए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बता दें कि इसी क्रम में कृषक विभाग ने आगामी खरीफ सत्र में किसानों को 67,333.95 करोड़ रुपए के फसली ऋण वितरित किए जाएंगे, जबकि पिछले साल यानी वर्ष 2022 में सिर्फ 50,63.97 करोड़ रुपए के फसल ऋण वितरित किए गए थे। फसल ऋण किसानों को फसल में लगने वाले कृषि निवेशों, खाद, रसायन, कृषि यंत्र आदि की खरीद के लिए 7% ब्याज दर पर दिया जाता है। वहीं 1 साल के भीतर यह लिया गया कर्ज वापस किए जाने पर किसानों को 3% ब्याज की छूट भी मिलती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुष्टाहार वितरण व्यवस्था हुई हाईटेक, ऐप से होगी निगरानी, लाभार्थी के फोन पर आएगा मैसेज। जी हां, वाराणसी जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पुष्टाहार वितरण की निगरानी पोषण ट्रैकर ऐप से की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि ऐप पर स्वचालित संदेश प्रणाली विकसित की गयी है, इससे पुष्टाहार वितरण की सूचना लाभार्थी के मोबाइल पर SMS के जरिए पहुँच जाएगी। वही बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से पुष्टाहार का वितरण किया जाता।
जाता है। ऐप के माध्यम से वितरण में अनियमितता पर रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश के लोग अंडा खाने के शौकीन हैं तो ये बात जरूर जान ले, एक गलती सेहत पर पड़ सकती है भारी। जी हाँ, अंडा खाने के शौकीन लोगों पर इसकी बिक्री करने वाले व्यवसायियों के लिए जरूरी खबर है। अंडे की गुणवत्ता को बरकरार रखने पर एक्सपायरी डेट निकलने से पहले इसकी बिक्री की जिम्मेदारी व्यवसायियों की है। एक्सपायरी डेट निकलने के बाद इसे खाने से लोग बीमार हो सकते हैं। आपको बता दें कि अंडे की भी एक्सपायरी डेट होती है। बदायूं जिले में कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिली है कि दुकानदार द्वारा लोगों को रखे हुए अंडे दे दिए गए, जिसे खाने के बाद लोगों की तबीयत तक बिगड़ गई है। खराब अंडे से होने वाले नुकसान को देखते हुए शासन द्वारा इसकी बिक्री सहित अन्य पहलुओं को लेकर नियम जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने जारी आदेश में कहा है कि विक्रेता अंडे की गुणवत्ता बनाए रखने की अंडे की ट्रे पर स्टिकर, उत्पादन तिथि, पिन कोड अनिवार्य रूप से अंकित करें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिन में बैंक में जमा हुए 10 करोड़ के 2000 के नोट बैंक का बड़ौदा ने ग्राहकों को लौटाया। जी हां, आपको बता दें कि 2000 का नोट चलन से बाहर होने की घोषणा के बाद कानपुर में इसका बैंकों और बाजार में जबरदस्त असर देखने को मिला। दरअसल बैंक के एक दिन में 10 करोड़ के करीब 2000 के नोट जमा किए गए। किसी एक शाखा में 1 करोड़ तो किसी में 18 लाख रुपए तक जमा किए गए। एक शाखा में तो ग्राहक ने अकेले 1 करोड़ 50 लाख के 2000 के नोट जमा किए। शंकराचार्य का बड़ा ऐलान, बोले राजनीतिक दल संतों को पहले अपना प्रचारक बनाती। जी हां, बता दें कि गोवर्धनपुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा है कि राजनीतिक दल पहले संतों को अपना प्रचारक और बाद में मौनी बाबा बना देती है। कहा कि श्री श्री रविशंकर और योग गुरु बाबा रामदेव के साथ कुछ ऐसा ही किया गया। पहले राजनीतिक दल ने उनका भरपूर इस्तेमाल किया, शासन सत्ता पाते ही उन्हें मौनी बाबा बना दिया गया। पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने यह बातें आज अपने शिव गंगा आश्रम में प्रवास के पांचवे दिन भक्तों के प्रश्न के जवाब में कही। उनके प्रवास के आखिरी दिन आश्रम परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। उत्तर प्रदेश में 2000 के नोट बंद होने पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा इससे भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा परेशान। जिया उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2000 का नोट बंद करने के रिजर्व बैंक के निर्णय से काले धन पर लगाम लगेगी, इस निर्णय से भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा परेशान है। उन्होंने आगे कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटें भाजपा जीतेंगी, वहीं केंद्र में फिर भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। शिकायत मिलने पर जल जीवन मिशन के कार्यों की जांच के लिए टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी से संबंधित एक मामले में निगरानी याचिका स्वीकार, निचली अदालत का आदेश निरस्त। जी हां, बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय अनुभव द्विवेदी की अदालत ने ज्ञानवापी से संबंधित एक मामले में दाखिल निगरानी याचिका स्वीकार कर ली। साथ ही निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें FIR दर्ज करने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेशों में यह विधि व्यवस्था बनाई है कि किन तथ्यों के आधार पर सिविल और आपराधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाई जा सकती है। निगरानी अदालत ने अवर अदालत को आदेशित किया है कि निगरानीकर्ता को पुनः सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित करें। पक्षकारों को 30 मई को अवर अदालत में हाजिर होकर पक्ष रखने को भी कहा गया है। सऊदी अरब में 1 किलो सोना ला रहा था व्यक्ति, लखनऊ एयरपोर्ट से हुआ अगवा, रामपुर में दबोचे गए किडनैपर। जी हां, सऊदी अरब से लौटे प्रतापगढ़ के व्यक्ति का आज लखनऊ एयरपोर्ट से अपहरण किया गया। आपको बता दें कि सऊदी अरब से लाए जा रहे 1 किलो सोने को हड़पने के शक में अपहरणकर्ता उसे अगवा करके सहारनपुर ले जा रहे थे, लेकिन रामपुर पुलिस ने कारोबारी को कार समेत बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 6 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सोना हथियाने के लिए अपहरण नी कारोबारी के साथ कुकर्म भी किया। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित कारोबारी की पत्नी की तहरीर के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही। मायावती ने कहा चुनाव में हार के बाद किया बड़ा फेरबदल, वेस्ट में बनाए 4 पदाधिकारियों की टीम। जी हां, नगर निगम और अन्य निकायों में हार को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेरठ मंडल के पदाधिकारियों में फेरबदल किया है। इसके तहत पूर्व MLC प्रदीप जाटव को मेरठ मंडल के दायित्व से मुक्त कर दिया, वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली को अब अन्य कार्यों के साथ मेरठ जिले का काम भी देखने को कहा। मेरठ के जिला अध्यक्ष मोहित आनंद पूर्व की तरह काम करेंगे। वही 18 मई की बैठक के बाद अब धीरे धीरे हर मंडल के पदाधिकारियों के दायित्व का आदेश जारी हो रहा है।
मऊ में मुआवजे के लिए अड़े ग्रामीणों ने पुलिस पर चलाए ईंट पत्थर एक सिपाही का फटासे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मऊ में ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया है। इस दौरान कोतवाली प्रभारी के ड्राइवर का सिर फटा। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठियां भांजकर ग्रामीणों को खदेड़ दिया। घायल पुलिस कर्मी को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। ये मामला कोपागंज थाना क्षेत्र के धवरिया साथ गांव का है। कुछ लोग शुक्रवार की देर शाम कार से मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के कोयरी पार गांव की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर ढांढा चवर के पास कुशहर राजभर के मकान में घुस गई। इस दौरान मकान में सो रहे एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। भाजपा के पूर्व विधायक संजय जायसवाल को 3 साल की सजा जुर्माना भी लगाया गया। जी हाँ, सीजीएम एमपी एमएलए कोर्ट अर्पिता यादव की अदालत ने 2 दशक पुराने मामले में रुधौली से भाजपा के पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल सहित 7 लोगों को 3 वर्ष साधारण कारावास व 4,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं अदा करने पर 2 माह 10 दिन की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। सजा पाने वाले में डुमरियागंज के एक पूर्व विधायक के पुत्र और पूर्व प्रमुख शामिल हैं। एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान विवाद के मामले में मतगणना स्थल में घुसकर मारपीट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक घटना कल्याण योजना के तहत किसानों को मिलती है 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता। यूपी की राज्य सरकार किसानों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कृषक घटना कल्याण योजना चला रही है, जिसके तहत खेती के दौरान अगर किसान घटना के शिकार हो जाते हैं तो उसे 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। अलग अलग दुर्घटना में अलग अलग आर्थिक सहायता दी जाती है। जैसे खेती के दौरान किसान का हाथ पैर कट जाए या चल बसे तो ऐसी स्थिति में 5 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा इलाज के लिए अलग 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वही अगर किसान घटना वजह से विकलांग हो जाता है और उसकी विकलांगता परसेंटेज 35% और 50% के भीतर है तो ऐसे में 1 से 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। वाराणसी में बनेंगे 13 नए रोडवेज बस स्टॉप। प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर समेत 13 जनपदों को मिलेंगी बस। दरअसल वाराणसी में 13 नए रोडवेज बस स्टॉप बनेंगे। हालांकि ये शहर के बाहर बनेंगे, लेकिन इससे बड़ा फायदा होगा शहर का जाम कम होना है। बनारस के बाहर बनने वाले इन 13 नए बस स्टॉप के शहर अंदर लगने वाले जाम कम हो जाएगा और यात्रियों को प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर, सोनभद्र, गाजीपुर, गोरखपुर समेत कई जनपदों तक की बस सुविधा मिलेगी। वाराणसी विकास प्राधिकरण VDA ने यूपी रोडवेज के इन बस स्टॉप के लिए मैप तैयार कर लिया है। वैसे दोस्तों, आप यूपी के किस जिले के रहने वाले हैं, कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। रोज की ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।